सूर्य नारायण की जय। प्यारे भक्तगणों, आज सुनिए चैत्र रविवार रोट वाली कथा। सूरज रोट का व्रत होली तथा गणगौर व्रत के बीच आने वाले रविवार को किया जाता है। सूरज रोट के व्रत में सूरज भगवान का पूजन किया जाता है। एक समय भोजन करके पूरे दिन निराहार रहते हैं। भोजन में रोट खाते हैं, जिसे जूठा नहीं छोड़ते। इस दिन नमक नहीं लिया जाता है। व्रत खोलने के लिए सूर्य छिपने से पहले भोजन किया जाता है। धूप में खड़े होकर सीधे सूरज की पूजा करनी चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो सूर्य भगवान के चित्र की पूजा भी कर सकते हैं। अब जानिए सूरत रोट व्रत के पूजन सामग्री के बारे में। रोली, चावल, लच्छा, मेहंदी, घेवर या हलवा और रोट, जल का लोटा, गंगा जल। सूरज रोट बनाने की विधि। सूरज रोट की पूजा के लिए रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर आटा गूंथ ले। आटे में नमक ना डाले। यह रोट अलूना होता है। इसे थोड़ी देर रख दे। अब आटे को हाथ से मठार ले और थोड़ी मोटी रोटी बेल ले। बेली हुई रोटी के चारों ओर अंगूठे व अनामिका उंगली की सहायता से मोटी मोटी चूटी काटकर डिजाइन बना ले। रोटी सूरज जैसी दिखेगी। रोटी के बीचों बीच किसी गोल चीज जैसे बोतल के ढक्कन से काटकर गोल छेद बना ले। रोटी के इसी छेद में से देखकर सूरज भगवान की पूजा की जाती है। रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक ले। एक बार में जितना खा सकते हैं उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए, क्योंकि रोट जूठा नहीं छोड़ा जाता है। सूरज रोट व्रत की पूजन विधि। दो रोट बनाए जाते हैं, एक पूजा के लिए और एक खाने के लिए। पूजा वाला रोट पूजा के बाद ब्राह्मणी को या गाय को दिया जाता है। दूसरा रोट खुद खाया जाता है। एक थाली में पूजा का सारा सामान रख ले। यदि होली पर दशा माता का डोरा लिया हो तो वह भी पूजा की थाली में रखे। सूर्य भगवान को जल और गंगा जल के छींटे दे। इसके बाद रोली, लच्छा, अक्षत, मेहंदी अर्पित करे। घेवर या हलवे का भोग अर्पित करे। रोट का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन रोट टूटना नहीं चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री बाएं हाथ में रोट या घेवर लेकर उसमें से सूरज को देखे और कोई दूसरी महिला सूरज की तरफ से लोटे से थोड़ा थोड़ा जल छोड़ती जाए। जल छोड़ने वाली पूछे, सखी सखी सूरज जी दिखिया, अर्थात हे सखी, क्या सूर्य भगवान दिख रहे हैं? व्रत करने वाली स्त्री जवाब में बोले, सूरज जी दिखिया, दिखिया सो ही टूटिया, अर्थात हाँ सखी, जैसे सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे हैं वैसे ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह 7 बार जल छोड़ने वाली यह प्रश्न पूछे और हर बार व्रत करने वाली यही जवाब दे। 7 बार यह जवाब घेवड़िया रोड में देखते हुए ही देने होते हैं। इसके बाद सूर्य भगवान को धोक लगाकर प्रणाम करें। अब आंखें यानी कुछ गेहूं के दाने हाथ में लेकर सूर्य भगवान की कहानी कहे या फिर श्रवण करें। जानिए सूरज रोट के व्रत का उद्यापन विधि। किसी भी व्रत का उद्यापन करने से आने वाले वर्षों में व्रत करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन जरूरी होता है, क्योंकि इस उद्यापन के बाद ही गणगौर के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अतः सूरज रोट का उद्यापन जरूर कर लेना चाहिए, ताकि यदि गणगौर के व्रत का उद्यापन करना हो तो कर सके। सूरज रोट के व्रत का उद्यापन भी होली और गणगौर के बीच आने वाली रविवार को ही किया जाता है। यह उद्यापन लड़की अपनी शादी से पहले भी कर सकती है और उसके बाद भी, जैसे परिवार में परंपरा हो वैसा कर सकते हैं। सूरज रोट का उद्यापन पीहर की तरफ से होता है। व्रत के उद्यापन में 8 महिलाओं को भोजन कराया जाता है। भोजन में एक ही तरह का अनाज काम में लिया जाता है। पूड़ी या रोट परोसे जाते हैं। कोई भी रोट जूठा ना छोड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को टीका करते हैं। प्लेट में बिंदी का पत्ता रखकर देते हैं। इसके बाद ही विदा करते हैं। सूरज रोट उद्यापन के लिए एक दिन पहले यानी शनिवार को मेहंदी लगा ले। दूसरे दिन यानी रविवार को जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन
सुबह सिर धोकर नहा ले और सुंदर वस्त्र गहने आदि धारण करके श्रृंगार करे। पूजा के लिए रोट बनाकर तैयार कर ले। रोट और पूजा की थाली के साथ हमने जो पहले बताया उसी के अनुसार सूर्य भगवान की पूजा करे। सूर्य नारायण की कहानी का श्रवण करे। इसके बाद 8 महिलाओं को भोजन कराए। भोजन में रोट या पूरी और सब्जी तथा इसके अलावा श्रद्धा के अनुसार भोजन बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भोजन जूठा ना छोड़े, खासकर पूरी या रोट। महिलाएं जब भोजन कर ले तो उन्हें टीका करें। प्लेट में रखकर बिंदी का पत्ता साथ में श्रद्धा अनुसार 11 या 21 रुपए ऊपर रखकर उपहार में दे। एक प्लेट में घेवर बिंदी का पत्ता रुपए रखकर सासु माँ को छूकर दे। सखियों को भोजन कराए। सखियां आपके उद्यापन की साक्षी होता है। सखिया घर का कोई भी लड़का या देवर हो सकता है। सखिया को टीका करके वस्त्र उपहार में दे और कान पकड़कर बरू कराए, यानी उससे कहलाए कि वह उद्यापन का साक्षी रहेगा। इस प्रकार उद्यापन संपन्न होता है। अब आइए श्रवण करें सूर्य भगवान की रोट वाली कथा। कथा को अधूरा ना छोड़े। सूरज रोट रविवार की कहानी। दो माँ बेटी थी। सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज भगवान का व्रत आया, माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तू दो रोट बना लेना। बेटी ने दो रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मेली कोर दे, पूरो दे पर महारो दे। सब ने यही सोचा कि यह पागल हो गई और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी की मायके में कोई और नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की कि मेरे को सवा पहर का मायका दो, जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल बाग बगीचे माता पिता भाई बहन भाभी भतीजे सब बेटी जमाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। सवा पहर का समय बीतने लगा, पर जामाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था सवा पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पाँव की मोचड़ी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला, मेरी मोचड़ी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही, जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही। पैर के नीचे उसकी मोचड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके पियर मायका में कोई नहीं है, उसकी एक बावली माँ है। ये तो सूरज भगवान ने उसको सवा पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के परिवार को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार की विघ्न या दुख नहीं था।
सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगे। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं ही उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो, इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बाज स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसा गौ है जो आप जैसे राजा के ही योग है। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलवाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण की जय।
आप सुनिए सूर्य नारायण की आरती। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, रजनीपति मदहारी सतलत जीवन दाता, पद पद मन मधुकारी हे दिन मने दाता, जग के हे रवि देव, जय 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 स्वादेव, नभ मंडल के बानी ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि तेरी हम सब सेवा, करते हैं रवि देव, जय 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 रवि देव, कनक बदन मन मोहित रुचिरि प्रभा प्यारी, नित मंडल से मंडित अजर अमर छवि धारी, हे सुरवीर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, रजनीपति मदहारी सतलत जीवन दाता। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।